राम राम जी, सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मोर ग्रुप एकेडमी में। लेकर आए हैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। इन वीडियोस के जरिए आप अपना टेस्ट लगा सकते हैं और जान सकते हैं कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर हो चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, योग प्रचार समिति निम्न शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है, ये स्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि कृत योग सूत्र में निम्न अध्याय अथवा पद सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर ये है, समाधि पद में सम्मिलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि कृत योग के किस पाद में योग की परिभाषा, उसके स्वरूप, चित्त, विरोध के विभिन्न उपाय एवं योग के विभिन्न प्रकार की व्याख्या की गई है? तो इसका सही आंसर है, ये की गई है समाधि पाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्त की स्थिरता के लिए आंतरिक बाह्य साधनों का वर्णन पतंजलि कृत योग के निम्न पद में किया गया है? तो इसका ये सही आंसर है, ये किया गया है साधना पद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक साधनों के साथ साथ योगाभ्यास की सिद्धियों का वर्णन निम्न पद में किया गया है? तो इसका सही आंसर ये किया गया है विभूति पद में। आंतरिक साधनों के साथ साथ योगाभ्यास की सिद्धियों का वर्णन विभूति पद में किया गया है। अगला क्वेश्चन करते हैं, मुक्ति अथवा मोक्ष के स्वरूप का पूर्ण रूप विवेचन निम्न पद में किया गया है? तो इसका सही आंसर है, ये किया गया है कैवल्य पद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुर्योग में निम्न योग सम्मिलित है? तो इसका सही आंसर है, उपरोक्त सभी, कर्मयोग, राजयोग और भक्ति योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग मन की चंचलता को समाप्त कर इच्छाओं को नियंत्रण करना सिखाता है? तो इसका सही आंसर है, ये है राजयोग। मन की चंचलता को समाप्त कर इच्छाओं पर नियंत्रण करना सिखाता है राजयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शारीरिक शिक्षा में ड्रिल को अनिवार्य विषय बनाया गया? तो ये बनाया था अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन है, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो इसका सही आंसर है, ये हुई थी 1920 में चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर ये की थी HC बक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है, ये हुई थी 1914 में। श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना 1914 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना किसने की थी? ये तो इसका सही आंसर अंबा एवं पंत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद में शारीरिक शिक्षा का राजकीय कॉलेज कब खोला गया था? तो ये खोला गया था 1931 में। अगला क्वेश्चन है, 1932 में लखनऊ में कृष्ण काल शारीरिक शिक्षा कॉलेज किस देश की सहयोग से खोला गया था? तो ये खोला गया था अमेरिका की सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कांदिवली कब खोला गया था? तो इसका सही आंसर है, ये खोला गया था 1938 में। शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण कांदिवली 1938 में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा कॉलेज लाहौर की स्थापना कब और किसने की थी? तो इसका सही आंसर 1940 में श्री हैग ने। अगला क्वेश्चन, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम को कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर ये किया गया था 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 से 16 साल की लड़कियों के लिए NCC स्कीम कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी 1952 में। इसका सही आंसर 1952 में 13 से 16 साल की लड़कियों के लिए NCC स्कीम लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शरीर का उत्सर्जक अंग है? तो इसका सही आंसर ये है गुर्दे और फेफड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए में से कौन सी प्रबंधन पद्धति नहीं है? तो इसका सही आंसर ये है व्यवस्थित विश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर अति व्यापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारंपरिक रूप से प्रबंधन द्विधुरीय लोकतांत्रिक सत्तावादी परिधि में विभाजित किया गया है, ऐसा प्रबंधन जिसमें मैनेजर स्वयं नेतृत्व न लेकर समय के साथ अपने आप समस्या का हल पाते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ये है लेसेज फेयर प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में 5 मिनट के लिए एक विषय पूरा किया जाता है, यदि उसके कुल पल्स काउंट 250 थे तो उसकी योग्यता इंडेक्स होगी? तो इसका सही आंसर ये होगी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैधता विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जैसे कि आभासी वैधता, समवर्ती वैधता, निर्मित वैधता। इनमें से तार्किक वैधता स्थापन किस में शामिल है? तो ये शामिल है आभासी वैधता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जटिल घटना के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए जिस अनुसंधान में उपलब्ध जानकारी का गहन अध्ययन और मूल्यांकन शामिल होता है उसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर है विश्लेषणात्मक अनुसंधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग और अनुक्रिया सामर्थ्य में काफ़ी असंतुलन होना जहां पर मांग की पूर्ति में असफलता के महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं से अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर ये है दबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति के व्यायाम को पूरा करने की अधिकतम क्षमता प्रतिशत मापन को उल्लेखित करते हैं? तो इसका सही आंसर है ये है निरपेक्ष तीव्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि घर्षण निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है धरातल के स्वरूप और पदार्थ के स्वरूप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन के आकस्मिक विश्लेषण को कहते हैं? तो इसका सही आंसर ये कहते हैं काइनेटिक्स। मोशन के आकस्मिक विश्लेषण को काइनेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मात्रा और भार किसी द्रव के दो आयाम हैं, इनमें से मात्रा निश्चित होती है किंतु भार परिवर्तित होता है। मात्रा निश्चित होती है किंतु भार परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध मक्खन और घी से मिलता है? तो इसका सही आंसर ये मिलता है विटामिन ए और डी। दूध मक्खन घी से विटामिन ए और डी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरी क्या मापने की इकाई है? तो इसका सही आंसर है गर्मी मापने की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर है डायबिटीज होता है इंसुलिन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स का श्वसन विनिमय अनुपात होता है? तो इसका सही आंसर ये होता है 1.00। अगला क्वेश्चन, अस्थि मांसपेशी की संकुचन इकाई है? तो इसका सही आंसर है ये है सार्कोमेयर। अस्थि मांसपेशी की संकुचन इकाई सार्कोमेयर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय की सफलता के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर है ये है समाज सेवा। शिक्षण व्यवसाय की सफलता के लिए समाज सेवा आवश्यक नहीं है। रेसिप्रोकल इनर्वेशन का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है, जब एनोगेस्ट मांसपेशी का संकुचन और एंटागोनिस्ट मांसपेशी का विस्तार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा की आधुनिक संकल्पना है? तो इसका सही आंसर है ध्येय निर्धारण और लक्ष्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षण और मापन से किसमें सहयोग प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर है स्थिति का मूल्यांकन, अंतरों का मूल्यांकन करना और निष्कर्ष निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान समस्या का पता लगाने के लिए मार्ग निर्देश में निम्न में से क्या देखना चाहिए? तो इसका सही आंसर है ये है मूल कारण और केवल प्रभाव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवरणात्मक अनुसंधान स्तर से संबंधित है? विवरणात्मक अनुसंधान की विभिन्न पद्धतियां हैं? तो इसका सही आंसर है सर्वेक्षण, व्यक्ति, अध्ययन, साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पृथक स्कोर एवं केंद्रीय प्रवृत्ति के बीच परिवर्तनशीलता अंतर की श्रेणी होती है? तो परिवर्तनशीलता के अनुमान है, इसका सही आंसर है रेंज और मानक विचलन, रेंज और मानक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीड़ा सिद्धांत निम्नलिखित है? तो इसका सही आंसर है क्रीड़ा सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्रीड़ा सिद्धांत में है विरेचन सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक खेल में पामेल हार्स के उपकरण में दो पामेल्स के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही आंसर है कम से कम 40 सेंटीमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 45 सेंटीमीटर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम।